अब तो बताओ क्या हुआ? यार वो दरअसल कल रात मैंने चतुशा को तलाक दे दी। क्या क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो। रात से लेकर अब तक मेरी हालत उसी सदमे की वजह से ऐसी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हुआ यार। शादी, तलाक, यार ये कोई मजाक नहीं होता। और ये सब कुछ ऐसे इतनी जल्दी अचानक? आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी। कोई वजह नहीं है यार, कहा ना तुम्हें मैंने। अच्छा प्लीज तुम मुझे वापस छोड़ दो, मेरी गाड़ी भी वहां खड़ी है यार। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? ड्राइवर गाड़ी ले आएगा ना, और वैसे भी मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? तुम्हारी तबीयत भी खराब है। मैं ठीक हूँ यार मुराद, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हरगिज नहीं। देखो पहले घर चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आराम से बैठ के इस मसले का हल ढूंढते हैं। इस मसले का कोई हल नहीं है, या फिर शायद एक ही हल है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुझे अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? देखो पहले घर चलते हैं, आराम से बैठ के इस मसले का हल ढूंढते हैं। यार मुराद प्लीज। यार सुहेल फिक्र ना करो, पहले घर तो चलो, सब ठीक हो जाएगा। शाहज़ेन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आयुषो आई नो, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ यार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़रतशा और सोहेल की कोई लड़ाई हुई हो? यार एग्जैक्टली यार मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने ज़रतशा के माथे पर पट्टी देखी थी। व्हाट? शाहज़ेन तुमने रियाज साहब को देखने फिर कब जाना हॉस्पिटल? यार अब मैं तो सुबह ही जाऊँगा। नहीं, तुम अभी ऑफिस की वापसी में दोबारा जाओगे। देखो कोशिश करो ज़रतशा से मिलने की, और किसी तरह पूछो उससे कि क्या हुआ है। चलो आई विल डू इट फॉर यू। ये जो तैमूर का फोन है, लेकिन मैं बात कैसे करूंगी? जी सर। सोबिया कहाँ हैं आप? मैं अपने घर पे। अच्छा सोबिया, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे आपसे। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। नहीं, वो बात मैं आपसे मिलके करना चाहता हूँ, अगर आप बिजी नहीं हैं तो मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। आप नहीं नहीं सर, मैं वो, आप प्लीज़ तैयार हो जाएं, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। ओके अल्लाह हाफिज़। मिलकर क्या बात करना चाहते हैं? कहीं फेस टू फेस प्रपोज कर दिया तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? आओ ना सुहेल। यार मुराद मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अच्छा नहीं लगता यार, अम्मी क्या सोचेंगी? अम्मी कुछ नहीं सोचेगी, वो अम्मी है मेरी, तुमसे मिलकर खुश होंगी। यार मुराद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने यही तो कहा है। डॉक्टर ने ये भी तो कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ यार, मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं जाऊँगा, अपने घर आराम करूँगा। ये भी तो तुम्हारा अपना घर है, कुछ दिन यहाँ मेरे पास रहो, आराम करो, जब दिल चाहे चले जाना। लेकिन मुराद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। चलो आओ अम्मी से मिलो, अम्मी तुम्हें मिलकर खुश होंगी। चलो आओ, आ जाओ।
सुहेल आओ आज। बैठो तुम। अच्छा मैं जरा अम्मी को देख लूँ कहाँ है वो। और तुम्हारी भाभी तो बैंक में जॉब करती है, वो तो शाम को आएंगी, उनसे तुम्हारी मुलाकात शाम को करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा मैं अभी आता हूँ। और हाँ खाने में क्या लोगे? मुराद अगर मुझे कुछ खाना होगा तो मैं खुद से कह दूंगा। देखो अगर मैं इस घर में मेहमान बन के रहा तो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर अपना घर समझ के रहा तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा यार जैसे तुम्हारी खुशी। तो बैठो मैं भी आता। अम्मी अम्मी जान खुश गई थी, फिर हमारा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? कहीं तैमूर ने तो उसे कुछ नहीं कहा? इस लड़के को तो अपनी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम फोन करो इसे और पूछो इसने सोबिया को क्या कहा है। हेलो तैमूर। जी के सगे, ये बताओ रात को तुमने सोबिया को क्या कहा है, फिर वो हमारी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? ओके आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। आप ही तैमूर साहब सोबिया से मिलने जा रहे हैं। वो तो ठीक है, मगर सोबिया को हमारी कॉल तो पिक करनी चाहिए थी ना। आप ही आप देख नहीं रही थी वो उस दिन भी कितना नर्वस हो रही थी, हो सकता है अभी भी शर्मा रही हो। तैमूर ने बताया नहीं कि वो क्यों जा रहा है सोबिया के पास? अब आप ही ये बातें इतनी कुरेद कुरेद कर पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ही फिर जहीर की कॉल आ रही है, क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ फिर, जाओ। अच्छा हेलो जी जहीर,